हेलो फ्रेंड्स, आई एम अब्बास हसन नकवी। मैं अलीगढ़ से बिलोंग करता हूँ और इस साल मेरा UPPCS में 16th रैंक मेरी आई है, जिसके थ्रू मुझको SDM मिलेगा। एज अ डेप्यूटी कलेक्टर आई वुड बी अपॉइंटेड। और मैं दिल्ली नॉलेज ट्रैक के थ्रू आपको अपनी स्ट्रेटजी, मैंने UPPCS की तैयारी किस तरीके से की और किस तरीके से मैंने ये मकाम हासिल किया, उसके बारे में मैं बताऊंगा। आप लोगों को पता ही है कि UPPCS का जो पैटर्न है वो 2018 वाले एग्ज़ाम से चेंज हुआ है काफ़ी, जिसकी वजह से लोगों को अपनी स्ट्रेटजी भी UPPCS की चेंज करनी पड़ी। अगर हम अभी करंट जो पैटर्न है UPSC का देखते हैं, UPPCS का देखते हैं, उसमें प्रीलिम्स है, मेंस है, इंटरव्यू है। प्रीलिम्स में जनरली पहले एक GS का पेपर होता है, फिर एक CSAT का पेपर होता है, जिस तरीके से UPSC में होता है उसी तरीके से UPSC की तरह ही मेंस में भी 4 GS के पेपर होते हैं, एक SA का पेपर होता है, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है जिसके 2 पेपर होते हैं और एक हिंदी का पेपर होता है, इसके अलावा इंटरव्यू होता है। तो मोर और लेस UPPCS काफ़ी हद तक UPSC के पैटर्न की तरफ मूव कर रही है। मैंने UPSC की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी 2014 में और UPPCS के बारे में मैंने शुरू शुरू में नहीं सोचा था, लेकिन 2018 में मैंने UPPCS को पढ़ के, अच्छे से पढ़ के देने की कोशिश की और 2018 में हमारा प्रीलिम्स हुआ था अक्टूबर 2018 में। फिर उसके बाद अक्टूबर 2019 में मेंस हुआ और अगस्त 2020 में मेरा इंटरव्यू हुआ, जिसका रिज़ल्ट अभी सितंबर में आया है। अब मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा अपनी स्ट्रेटजी, किस तरीके से मैंने अपनी तीनों स्टेजेस को प्रोसीड किया। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा प्रीलिम्स की। तो एक चीज़ और मैं बीच में बताना चाहता हूँ कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, इसकी तैयारी वैसे तो इंटीग्रेटेड होती है, लेकिन स्टिल इनके लिए जो स्ट्रेटजी है वो मेरे हिसाब से थोड़ी सी डिफरेंट होनी चाहिए। क्योंकि प्रीलिम्स में मुझे ये लगता है कि जितना ज़्यादा आप अपना स्कोप वाइड कर सकते हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, उतना आपको फ़ायदा होता है। मेंस में आप जितना ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, मतलब जो टॉपिक्स हैं आपके सिलेबस में दिए हुए, उन टॉपिक्स को स्पेसिफिकली आप तैयार करें, उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स और स्टैटिक पार्ट, और उसको उसी तरीके से डील करें, तो उसमें फ़ायदा होता है। और इंटरव्यू के लिए आपकी एनालिटिकल एबिलिटी और आपकी पर्सनैलिटी इंपॉर्टेंट होती है। तो सबसे पहले हम प्रीलिम्स पे आते हैं। प्रीलिम्स के लिए जैसे मैंने बताया, मैं UPSC की प्रिपरेशन कर रहा था, तो मैंने जो सारी चीज़ें हैं, सारे सब्जेक्ट्स हैं, वो UPSC की ही तरह पढ़े थे UPPCS के लिए भी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, हिस्ट्री के लिए, मॉडर्न इंडिया के लिए मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ी थी, एंशियंट आर्ट एंड कल्चर एंड मिडिवल इंडिया, इसके लिए मैंने NCERT और NIUS को रेफ़र किया था। देन ज्योग्राफी के लिए मैंने NCERTs पढ़ी थी 6th class से 12th class तक। इसके अलावा ज्योग्राफी में मैंने मृणाल सर के वेबसाइट पे कुछ वीडियोस हैं ज्योग्राफी की, वो मैंने देखी थी, उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। इसके अलावा कुछ लोग GC लियोंग भी बताते हैं, लेकिन GC लियोंग को मैंने रेफ़र नहीं किया। इसके बाद हम इन्वायरमेंट पे आते हैं। तो इन्वायरमेंट के लिए मैंने शंकर IAS पढ़ी थी, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है UPPCS के लिए शंकर IAS जैसी बुक की ज़रूरत नहीं है। अगर इन्वायरमेंट के लिए हम घटना चक्र कवर कर लें या NCERT से इन्वायरमेंट के चैप्टर्स पढ़ लें, तो वो फ़ायदा करते हैं, वो सफिशियंट हैं। इसके अलावा इकनॉमी के लिए, क्योंकि मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे इकनॉमी में इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं थी। तो इकनॉमी के लिए मैंने बेसिकली NCERT जो 12th class की है इकनॉमी की, वो पढ़ी थी। और करंट अफेयर्स के लिए मैंने स्पेसिफिकली UPPCS के लिए, आई थिंक GK Today इज़ अ गुड वेबसाइट, और GK Today से मैंने काफ़ी, मुझे उससे फ़ायदा हुआ है। जो डेली उनके GK Today के जो क्वेश्चंस आते हैं, अगर आप उनको विद देयर एक्सप्लेनेशन अगर आप पढ़ेंगे, तो UPPCS के लिए स्पेसिफिकली काफ़ी फ़ायदेमंद है वो। इन सब चीज़ों के अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है मुझे लगता है UPPCS के प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के लिए,
वो घटना चक्र की बुकलेट्स हैं। घटना चक्र की बुकलेट्स हर सब्जेक्ट की आती हैं, लेकिन मैं सारी नहीं पढ़ पाया था। और मुझे जो लगता है घटना चक्र स्पेसिफिकली हिस्ट्री, एनवायरनमेंट, पॉलिटी एंड साइंस एंड टेक, ये चार बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अगर ये आप कर लेते हैं तो मेरे हिसाब से आपका UPPCS प्रीलिम्स आराम से निकल सकता है। ये घटना चक्र जो चार हैं ये अच्छे से कर ली जाए, इसके अलावा करंट अफेयर्स के लिए GK टुडे कर लिया जाए, और जो UPSC के लिए जो बुक्स मैंने बताई स्पेसिफिकली अगर आप उनको पढ़ लें तो वो आपको एडेड एडवांटेज है। क्योंकि मुझे अभी तक ये लगता है कि UPPCS इवॉल्व कर रहा है और वो UPSC के पैटर्न की तरफ जा रहा है, तो अगर आप उसी स्ट्रेटेजी को थोड़ा सा लेके चलेंगे UPSC से अलाइन करके तो आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा। तो ये प्रीलिम्स की मेरी स्ट्रेटेजी। प्रीलिम्स एक डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है UPSC में भी और UPPCS में भी, और इसके लिए मैंने शुरू में यही कहा कि जितना आप वाइड पढ़ सकते हैं आपको फ़ायदा होता है। फॉर्चुनेटली मेरे UPPCS में प्रीलिम्स में मार्क्स भी काफ़ी अच्छे थे। उसके बाद फिर मेंस आता है, मैं साथ में UPSC भी दे रहा था और UPSC का मेंस ऑलरेडी दे चुका था, उसके बाद मेरा UPPCS का मेंस था, तो मुझे UPSC के मेंस से काफ़ी फ़ायदा हुआ जो मैंने यूटिलाइज़ किया अपने UPPCS के मेंस के लिए। UPPCS के मेंस के लिए देखिए, जैसा मैंने बताया कि आपको मेंस में रेस्ट्रिक्ट करना है। मेंस में रेस्ट्रिक्ट कैसे करना है, आपको स्पेसिफिक टॉपिक्स देखने, सिलेबस में क्या क्या है। मैं एक एक GS के बारे में आपको बताना चाहूँगा। जैसे GS 1 है, तो GS 1 में हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सोशल इश्यूज़ हैं एंड UP स्पेसिफिक मटेरियल है उसमें जो पढ़ना है आपको। तो हिस्ट्री के लिए तो मैंने जो स्पेक्ट्रम फॉलो की थी इन केस ऑफ प्रीलिम्स वही मैंने पढ़ी, और ज्योग्राफी के लिए भी मैंने वही मटेरियल पढ़ा जो प्रीलिम्स के लिए पढ़ा था। सोशल इश्यूज़ के लिए मैंने जो मेंस 365 है विजन का मटेरियल वो रेफ़र किया था। मैंने जो मेजर टॉपिक्स थे उसके नोट्स बना लिए थे। इसी बीच मैं ये भी बताता चलूँ कि जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं उसके नोट्स ज़रूर बनाइए, क्योंकि अल्टीमेटली जो आपके नोट्स होते हैं वो काम आते हैं एग्ज़ाम के टाइम पे। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अपने प्रिपरेशन के पीरियड में आदमी पढ़ता है, एंड टाइम पे जब आपको रिवाइज़ करना होता है तो आपको अपने नोट्स ही पढ़ने होते हैं। सोशल इश्यूज़ में एक तो मेंस 365 एंड सेकेंड जो न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर मैंने दो फॉलो किए हैं, द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस। द हिंदू में पूरा न्यूज़ के लिए मतलब होल न्यूज़पेपर पढ़ता था, और इंडियन एक्सप्रेस में मैं स्पेसिफिकली जो एक्सप्लेन्ड वाला पेज है और एडिटोरियल मैं उसको फॉलो करता था, तो उससे सोशल इश्यूज़ आपके काफ़ी कवर हो जाते हैं। अब हम सेकंड GS के पेपर में आते हैं, तो सेकंड पेपर में जो मोस्टली टॉपिक्स हैं वो पॉलिटी के हैं या NGOs, FHGs वगैरह या फिर IR। पॉलिटी के लिए जैसा कि हम प्रीलिम्स में लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, तो लक्ष्मीकांत के जो स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं रिलेटेड टू लाइक प्रेजिडेंट्स रूल, एमरजेंसी पावर्स ऑफ प्रेजिडेंट एंड पार्लियामेंट एंड एंटी डिफेक्शन लॉ, ये टॉपिक्स ऐसे हैं कि जो न्यूज़ में रहते हैं काफ़ी, इलेक्शन कमीशन, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, तो इन टॉपिक्स को करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ख़ास तौर पे मैं एक बात और बताता चलूँ, जैसा मैंने कहा UPPCS का ये जो 2018 का एग्ज़ाम था इसमें क्योंकि ये पहली बार पैटर्न चेंज हुआ था इसलिए क्वेश्चंस काफ़ी बेसिक थे, और मुझे जो लगता है कि अब जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होने वाला है मेंस का उसमें भी क्वेश्चंस ज़्यादा लेवल उनका डिफ़िकल्ट नहीं होगा, बेसिक क्वेश्चंस की ही तरफ रहेंगे वो, लेकिन धीरे धीरे ये मूव करेंगे, डिफ़िकल्टी लेवल इनका बढ़ता रहेगा। तो चूँकि बेसिक क्वेश्चंस अभी भी पूछे जा सकते हैं तो उनको आप लक्ष्मीकांत से अच्छी तरीके से कवर कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपके पास टाइम है तो आप विजन 365 जो पॉलिटी का होता है उसको भी रेफ़र कर सकते हैं। और मैंने जैसा कि कहा आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। मेरे नोट्स मेंस के इतने थे कि मैं इन दो उंगलियों के दरमियान उनको रख सकता हूँ, और मैंने उनको कई बार रेफ़र किया, कई बार पढ़ा, जिससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। IR के लिए भी मैं कहूँगा न्यूज़पेपर एंड प्लस मेंस 365 इज़ अ वेरी गुड फोर्स। उसके बाद हम आते हैं पेपर 3 में। पेपर 3
एक इम्पॉर्टेंट पेपर है, और इस साल का अगर आपने पेपर देखा होगा 2018 मेंस का, तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था क्योंकि थोड़े अनकन्वेंशनल क्वेश्चंस उसमें आए थे डिफेंस से रिलेटेड। तो एक चीज़ और मैं साथ साथ बताता चलूँ कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो अनकन्वेंशनल आपके एग्ज़ाम में आएंगे, और उन अनकन्वेंशनल क्वेश्चंस को आपको डील करना आना चाहिए, तो वो प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए। वो प्रैक्टिस मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। तो जो पेपर थ्री है उसमें कई टॉपिक्स हैं, उसमें इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी, उसमें डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, उसमें इन्वायरमेंट है। तो ये टॉपिक्स जो हैं आपको एक तो जो करंट में इश्यूज़ चल रहे होते हैं वो करंट के इश्यूज़ आप विजन मेन 65 से कवर कर सकते हैं। उसमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट आपको आर्ग्यूमेंट्स और पॉइंट्स मिल जाते हैं, उसके आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, वो आपको काफ़ी काम आते हैं एग्ज़ाम में। पेपर फोर के लिए मैं समझता हूँ कि जो आपका सिलेबस है उसमें जो टर्मिनोलॉजीज़ यूज हुई हैं उन टर्मिनोलॉजीज़ की शॉर्ट डेफिनेशंस आप अपनी डेफिनेशन अगर बना सकते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है, और उन डेफिनेशंस के साथ उनके एग्ज़ाम्पल्स अगर आप रियल लाइफ से ले सकते हैं, या इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं जैसे महात्मा गांधी हैं या और बड़े लाल बहादुर शास्त्री हैं, इनकी लाइफ के जो एग्ज़ाम्पल्स हैं, विवेकानंदा है, अगर उनको आप ले सकते हैं उनका। मैंने जो पेपर फोर में किया था वो ये किया था कि मैंने एक तो एग्ज़ाम्पल्स का नोट बनाया था, मैंने कई सारे एग्ज़ाम्पल्स जो मैं सोच सकता था अपनी लाइफ से या पर्सनैलिटीज़ के लाइफ से वो मैंने एग्ज़ाम्पल बना लिए थे। उसके अलावा मैंने कोटेशंस बड़े बड़े लोगों की लिख ली थी, और उसके अलावा मुझे लगता है DPSP एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल राइट्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। इन सब चीज़ों को आपको अपने आंसर्स में यूज़ करना है। अब इसके अलावा मैं आपको एक ओवरऑल स्ट्रेटेजी बताना चाहता हूँ जो GS के चारों पेपर में यूज़ की जा सकती है, वो बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको जहाँ आप फ्लो चार्ट या डायग्राम बना सकते हैं जिस भी क्वेश्चन में वो आप ज़रूर बनाइए। उसके अलावा आप मैप बना सकते हैं, ख़ास तौर पर ज्योग्राफी के क्वेश्चंस में, तो मैप ट्राई करिए। मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने वर्ल्ड मैप, इंडिया का मैप कई बार बना के देखा था, और मैंने प्रैक्टिस की थी कि मैं कम से कम वक्त में दोनों मैप बना सकूं, और मैंने एग्ज़ाम में मैं वर्ल्ड मैप बना के भी आया हूं GS के पेपर में। तो ये सब चीज़ें आपको एडिड एडवांटेज देती हैं पेपर वन में ख़ास तौर पर। फिर पेपर टू के लिए मुझे लगता है जो आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, वो आपको पता होने चाहिए। आप जब इंट्रोड्यूस करते हैं किसी क्वेश्चन को तो उसमें अगर आप वो आर्टिकल से स्टार्ट करते हैं तो वो थोड़ा अच्छा लगता है, वो आपको काफ़ी इस्तेमाल में आते हैं। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो आप जगह जगह इस्तेमाल कर सकते हैं हर क्वेश्चन में, पेपर टू में स्पेसिफिकली या इन्वायरमेंट में। इसके अलावा ARC की रिकमेंडेशंस जो हैं ये पेपर थ्री में स्पेसिफिकली आपके बहुत काम आती हैं। इसके अलावा FDGs हो गए जो आप अपने आंसर्स में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने बताया फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, DPSP हैं, इनको तो आप बाय हार्ट याद कर लीजिए। मैं आपको अपनी लाइफ से एक एग्जांपल बताना चाहता हूँ कि मैंने इन चीज़ों को बाकायदा अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लिया था, DPSP, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, या जो फैक्ट्स मैंने तैयार किए थे पेपर थ्री के लिए स्पेसिफ़िकली, उनको मैंने अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लिया था। मैं अक्सर उनको कहीं जा रहा हूँ तो सुनता हुआ चला जा रहा हूँ, तो उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ कि वो चीज़ें मुझे याद हो गई थी। मेरी मेमोरी ही बहुत ख़राब है और इससे मुझे उन्हें याद रखने में काफ़ी बेनिफिट हुआ। FDG ख़ास तौर पर आपको उंगलियों पर याद होने चाहिए, 17 FDG, ताकि आप उनको कहीं पर भी अपने आंसर्स में इस्तेमाल कर सकें। इसी तरीके से कोटेशन जो मैंने आपको बताई एथिक्स के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये सब चीज़ें आपको मार्क्स बूस्ट करने में काम आएंगी। बेसिक चीज़ें GS में हर कोई पढ़ता है, और अगर वो चीज़ें आप पढ़ते हैं और आंसर लिखते हैं आपको एवरेज मार्क्स मिलेंगे, लेकिन आपको अगर अच्छी पोस्ट चाहिए, आपको अच्छी रैंक चाहिए, तो उसके लिए आपको जो है चीज़ें बढ़ानी पड़ेंगी अपनी, आपको अपने फैक्ट्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे, आपको कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे, और जो चीज़ें मैंने आपको बताई वो बहुत ज़रूरी हैं। सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है SA। UPPCS में 3 SA होते हैं जो आपको लिखने होते हैं 3 घंटे में, तो ये थोड़ा सा एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है। मुझे जब मैं जा रहा था SA लिखने एग्ज़ाम, तो मुझे थोड़ा सा डर था क्योंकि 3 SA लिखने की मुझे आदत नहीं है,
लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो फॉर्चुनेटली जो ऐसे आए थे वो मैं दो, एक ऐसे हिंदी पे था, हिंदी लैंग्वेज पे, क्योंकि मेरा उर्दू लिटरेचर ऑप्शनल है तो मैंने लैंग्वेज का ओरिजिन और सारी चीज़ें पढ़ रखी थी तो उसमें मुझे फ़ायदा हो गया। सेकंड ऐसे एक महात्मा गांधी पे था, तो महात्मा गांधी पे सेम ऐसे मैंने तैयार कर रखा था, वो मुझे फ़ायदा हो गया काफ़ी। और थर्ड ऐसे भी ऐसे ही था जो मुझे मैं स्पेसिफिकली कर पाया था, इजी टॉपिक्स थे। तो UPPCS में मुझे नहीं लगता है ऐसे में ज़्यादा डिफ़िकल्ट टॉपिक्स आते हैं, आप वो तीन ऐसे कवर कर सकते हैं। लेकिन ऐसे में मुझे ये लगता है कि आपको प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, पहले से प्रैक्टिस करके जाइए। और ऐसे के लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक, आप जो भी टॉपिक उठा रहे हैं उस टॉपिक की आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, जो उसके कीवर्ड्स हैं आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए, और उन और जो जो मेन थीम है ऐसे की उस पर आपको फोकस करके और स्ट्रक्चर्ड वे में अगर आप ऐसे लिखेंगे तो मुझे लगता है आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद हिंदी आता है। हिंदी एक ऐसी चीज़ है कि जो मैंने टेंथ के बाद नहीं पढ़ी थी, लेकिन फॉर्चुनेटली मेरी हिंदी अच्छी थी क्योंकि मैं संस्कृत भी पढ़ चुका हूँ, तो उसमें ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर आपने पढ़ रखी है टेंथ तक तो आपको इतनी डिफ़िकल्टी नहीं होगी, उसमें लेटर्स होते हैं वो सब आपको तैयार करने होते हैं, और उनकी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, आप उनसे आराम से उसे कवर कर सकते हैं। इसके अलावा ऑप्शनल सब्जेक्ट आता है, मेरा ऑप्शनल उर्दू लिटरेचर था, और मेरा UPSC में भी उर्दू लिटरेचर ही ऑप्शनल था। और उर्दू के लिए स्ट्रेटेजी ये है कि उर्दू के लिए एक तो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या टॉपिक्स हैं। UPSC से अगर UPPCS को आप कंपेयर करते हैं तो UPPCS में कुछ टॉपिक्स कम भी हैं और कुछ ज़्यादा भी हैं, कुछ एक्स्ट्रा भी टॉपिक्स हैं, तो उनके लिए आपको अलग से पढ़ना पड़ता है। मेन स्पेसिफिकली तीन बुक्स हैं जो बहुत कही जाती हैं और मैंने भी उनको ही रेफ़र किया है। एक तो मिर्ज़ा ख़लील अहमद बेग की बुक है और दो सुंबुल निगार की बुक हैं। अगर इन तीन बुक्स को आपने जुडिशियसली पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है, मैंने शायद मिर्ज़ा ख़लील अहमद बेग के जो नोट्स बनाए थे 15-20 टाइम्स शायद उनको रिवाइज़ किया होगा मैंने, तो उनको अगर आप बहुत अच्छे से कई मरतबा पढ़ लेंगे तो मुझे लगता है उर्दू में आपको बहुत फ़ायदा होगा। उसके अलावा उर्दू में मैंने और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ रखी थी, लेकिन मुझे लगता है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से ये तीन बुक्स सफिशियंट हैं। इसके अलावा अगर आप कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो इन बुक्स में नहीं मिलते, वो आप रेख्ता से रेफ़र कर सकते हैं, रेख्ता की वेबसाइट है, मैंने उसको रेफ़र किया था उन टॉपिक्स को। ये मेंस की स्ट्रेटजी मेरी रही। इसके अलावा अब इंटरव्यू आता है, तो इंटरव्यू के लिए मुझे ये लगता है कि आपकी जो पर्सनैलिटी है वो उसका टेस्ट होता है। लोग कहते हैं कि क्वेश्चंस कुछ भी पूछे जा सकते हैं आपसे इंटरव्यू में, लेकिन देखिए आपकी जो नॉलेज है वो प्रीलिम्स और मेंस में ऑलरेडी टेस्ट हो चुकी है, तो इंटरव्यू में आपको वो अल्टीमेटली पर्सनैलिटी पे आपकी असेस करते हैं, और वो जो पर्सनैलिटी है वो आप के जो आंसर्स होते हैं उसके बेस पर असेसमेंट वो करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझसे इंटरव्यू में पूछा गया था आर्टिकल 370 के बारे में, तो मैंने आर्टिकल 370 से जो क्वेश्चन था वो ये था कि आर्टिकल 370 के क्या क्या पॉजिटिव्स हैं, फ़ायदे हैं, तो मैंने गिनाए उनको। अगर उनको कहीं से भी इंटरव्यू जो इंटरव्यूअर है उनको ये लगता है कि ये प्रेजुडिस्ड हैं या बाइस्ड हैं तो आपके नंबर कट सकते हैं, लेकिन अगर आपने एक कॉन्स्टिट्यूशनल व्यू लेके चलते हैं और आप एक प्रोग्रेसिव व्यू लेके चलते हैं तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। तो इसलिए आपका हमेशा इंटरव्यू में एक प्रोग्रेसिव व्यूज़ होना चाहिए, आपके अंदर प्रेजुडिसेस नहीं होने चाहिए, आपके अंदर बायसनेस नहीं होने चाहिए। अगर ये चीज़ें आपके अंदर नहीं है तो आपको इंटरव्यू में बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इंटरव्यू के लिए अगर आपको तैयारी करनी है तो आपका जो बैकग्राउंड है उस पर आपकी पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अपने बैकग्राउंड के बारे में सोचता हूँ इंटरव्यू में, तो कुछ चीज़ें थी जो मुझसे स्पेसिफ़िक थी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अलीगढ़ से बिलोंग करता हूँ, मैंने अपनी पढ़ाई AMU से की है, मेरे पास उर्दू लिटरेचर था, मेरा जो बैकग्राउंड है वो कॉमर्स है, एंड देन मैंने MBA किया इन फाइनेंस। तो ये तीन चीज़ें मुझसे स्पेसिफ़िक थीं, तो इन तीनों चीज़ों से मुझसे क्वेश्चन पूछे गए। तो सबसे पहला क्वेश्चन था मुझसे, मेरा PK सिंह सर का बोर्ड था, PK सिंह सर ने मुझसे सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा वो ये पूछा कि इंडिया चाइना वॉर
जो अभी टसल चल रहा है, उस टसल के बीच में इंडिया ने कुछ इकोनॉमिक एक्शंस लिए हैं अगेंस्ट चाइना, वो क्या क्या एक्शंस हैं, तो वो मैंने बताए। फिर उसके बाद जैसे मैंने बताया आर्टिकल 370 पे उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा। इसके बाद सेकंड बोर्ड आता है, वो मुझसे मेरे बैकग्राउंड के बारे में पूछता है, मुझसे फाइनेंस के बारे में क्वेश्चंस पूछते हैं वो, तो वो मैं सारे डील कर लेता हूँ। थर्ड बोर्ड मेंबर आते हैं तो मुझसे थोड़ा सा उर्दू के बारे में पूछते हैं। फोर्थ मेंबर आते हैं तो वो भी मुझसे नीति आयोग एंड आत्मनिर्भर भारत, ये सब इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन, सारे जो क्वेश्चंस थे मेरे, वो मेरे बैकग्राउंड से रिलेटेड थे। एंड इन दीज क्वेश्चंस दे असेस माय पर्सनैलिटी कि मैं, मेरे अंदर कोई बायसेस तो नहीं है, मेरे अंदर तो कोई प्रेजुडिसेस तो नहीं है, और मैं कितने अच्छी तरीके से कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ, अपनी बात को उनके सामने रख पा रहा हूँ, ये सारी चीज़ें इंटरव्यू में इंपॉर्टेंट होती है। मैं घबरा तो नहीं रहा, मेरा कॉन्फिडेंस कैसा है, ये चीज़ें डेवलप करना इंटरव्यू के लिए बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है लोग बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं नॉलेज गेन करने के लिए, इंटरव्यू के लिए ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अपनी पर्सनैलिटी पर वर्क करने की ज़रूरत है। और उसके लिए आप लोगों से इंटरेक्शन करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके दोस्त हैं साथी हैं उनको मॉक इंटरव्यूज़ दें। मुझे लगता है मॉक इंटरव्यूज़ इंपॉर्टेंट होते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में भी, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपने दोस्तों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो उससे आपको बहुत फ़ायदा होता है। ये मेरी इंटरव्यू की स्ट्रेटेजी थी। ओवरऑल मैं UPPCS का एग्ज़ाम हो या UPSC का एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, मुझे ये लगता है कि अगर आप कंसिस्टेंटली पढ़ते हैं, कंसिस्टेंटली तैयारी करते हैं, परसीवर करते हैं, तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलती है। और अगर आपको सक्सेस नहीं भी मिल रही है, तो मुझे लगता है कि ये एक एक्सपीरियंस इस प्रिपरेशन का ऐसा है कि जो आप ज़िंदगी भर चेरिश करेंगे, जैसा मुझे लगता है कि मैं हमेशा अपने इस प्रिपरेशन फेज़ को चेरिश करूँगा। थैंक यू।